गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जीवों के आवास जो है पाठ आठ के अंतर्गत वीडियो पाठ एक में जंतुओं व पौधों के आवास के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आप अपने आसपास अगर नजर उठाकर देखते होंगे तो आपको इस जो है स्थल पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। तो बच्चों, जिस प्रवेश में हम लोग रहते हैं उसी को हम आवास कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। जीव जंतु वहाँ रहते हैं जहाँ पे उनको भोजन आसानी से प्राप्त हो सके और उनके बच्चों की सुरक्षा हो सके। ठीक, अब आता है, जैसे कि आप देखोगे, आप तालाब के पास गए होंगे तो उस तालाब में अगर आप जो है इंक्वायरी करें तो उसमें आपको बहुत से जीव जंतु पेड़ पौधे दिखाई देते हैं बच्चों। जैसे उस तालाब में मेढक, मछली, केकड़ा और कुछ जलीय पौधे आपको दिखाई देते हैं। तो हम इसे कहते हैं जो एक तालाब है वह जो है जीव जंतु का, जलीय पौधों का आवास है। तो बच्चों, अब मैं आपको जो है आवास के प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपका स्थलीय आवास है, फिर दूसरा जलीय आवास है, तीसरा वायवीय आवास है। ठीक, इन सबको पढ़ाने के बाद आपको अडेप्टेशन अनुकूलन के बारे में पढ़ाएंगे, फिर पौधों में अनुकूलन, पौधों में अनुकूलन बेटा तीन प्रकार से है, आपका जियोफाइट अनुकूलन है, हाइड्रोफाइट और मीजोफाइट। ठीक, तो अब मैं आपको स्थलीय जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाएंगे। असली आवास में बेटा जलवायु, तापमान व आर्द्रता में तेजी से परिवर्तन होता है। जैसा कि आप प्रतिदिन देखते हैं, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड जो है आपका वेदर मौसम बदलता रहता है। असली आवास में प्रकाश की मात्रा मौसम व ऊंचाई के साथ बदलती रहती है। तो असली आवास की जो है भौतिक दशाएं, असली आवास की वह भौतिक दशाएं किस प्रकार की होती है बेटा? भौतिक दशाएं, इसके बारे में मैं आपको क्रम से बता दे रहा हूं। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति एक समान, पर्याप्त व आसान होती है। तो यह आपका असली वह आवास का वह पहली भौतिक दशा है। दूसरा दिया बच्चों, स्थान स्थान व मौसम मौसम के साथ बदलती रहती है, तापमान क्षेत्रों की ऊंचाई के साथ बदलता रहता है। तीसरा जो पॉइंट आपका है वह प्रकाश पर्याप्त अवधि के लिए व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो बच्चों, चौथा पॉइंट है जल एक भिन्नता वाला कारक है तथा अनियमित रूप से वितरित होता रहता है जो विशेष क्षेत्र और जीव जल का खास रोकने के लिए अनुकूलित होता है। तो बच्चों, अब आपका नेक्स्ट आपका जलीय आवास है, दूसरा जो है जलीय आवास है। तो जलीय आवास में अभी बताएगा जल व उसके आसपास पास जो है पाए जाने वाले जीवों से संबंधित है जलीय आवास। तो इसमें भी बेटा जल में उष्मा का अवशोषण उत्सर्जन धीरे धीरे होता है, अतः तापमान में भी परिवर्तन अचानक नहीं होता है। तो जलीय आवास की भी भौतिक दशाएं होती हैं, जैसे गहरे जल को छोड़कर समान प्रकाश, तापमान व ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है गहरे जल में गहराई के साथ प्रकाश व तापमान की मात्रा जो बेटा वह बदलती रहती है। तो थर्ड है गहरे सागर में
गहराई के साथ साथ आपका दाब भी बढ़ता या रहता है। अब आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, वह है वायविंग आवास। वायविंग आवास वाय में रहने वाले जीव जंतुओं से संबंधित है बच्चों। इसमें जीव आते हैं जो अपनी गतिविधि के लिए आकाश का प्रयोग करते हैं, जैसे पक्षी में पक्षी हैं, फिर चमगादड़ है, इसी श्रेणी में आते हैं। वृक्षों पर रहने वाले जो जंतु होते हैं बच्चों, उन्हें वृक्षाश्रय जंतु कहते हैं। जो पेड़ पौधों पर रहते हैं उन्हें वृक्षाश्रय जंतु कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट बेटा, वायवीय आवास की भौतिक दशाएं। इसकी भी भौतिक दशाएं हैं, तापमान में परिवर्तन, ऑक्सीजन की उपलब्धता आदि जो है वायवीय जो है आवास की भौतिक दशाएं हैं। बच्चों अब आता है अनुकूलन। जैसा कि हम जानते हैं, केवल वे ही जीव जीवित रह सकते हैं जिनके किसी विशेष वातावरण में रहने के लिए विशेष विशेषताएं पाई जाती है। ठीक, अब देखे जैसे ठंड प्रदेश के जीवों को अगर गर्म प्रदेश में रखा जाए तो वहाँ के वातावरण में ढलने में उनको समय लगता है। यहाँ तक अगर वो ढल नहीं पाते उस वातावरण से तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है बच्चों। तो इसलिए अनुकूलन भी सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, जैसे दिया है उन विशेषताओं को विकास जो किसी जीव को एक विशेष वातावरण में रहने के लिए समर्थ बनाते हैं, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। जो बेटा विशेष वातावरण में जो जीव जंतु अपने आप को ढाल लेते हैं उसी को हम अडेप्टेशन कहते हैं बच्चों। जैसे अडेप्टेशन की विशेषता है विकास, आकृति, आकार, रचना, रंग, व्यवहार व जीवन की विधियां शामिल है। अनुकूलन की श्रेणी में पौधे व जंतुओं में अलग अलग होते हैं। कुछ अधिक अनुकूलित होते हैं जबकि कुछ समान रूप से होते हैं। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए बच्चों, मधुमक्खी अपने जीवन शैली के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती है। इसमें बहुत से अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे ट्यूब के आकार के मुखान जो मकरंद को सोखते हैं, बाल व ब्रश जो परागकणों को ग्रहण करते हैं, और इनमें मूल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो बच्चों अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह पौधों में अनुकूलन। ठीक बच्चों, तो बहुत से पौधे भी हैं जो अनुकूलन के अनुसार अपने आप को अडेप्ट किए हुए हैं। तो पौधों में अनुकूलन विविधता आवास के आधार पर जो है इसे तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है बच्चों। पहला है आपका जीरोफाइट, दूसरा है आपका हाइड्रोफाइट, तीसरा है आपका मेजोफाइट। ठीक बच्चों, पहला जो आपका जीरोफाइट है ए वे जीव है जीरोफाइट, ए मतलब आपको मछली जो पेड़ पौधे पर होता है। मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधों के लिए जल की कमी होती है। ठीक, वहां पे जितने भी पौधे उगते हैं लगभग सब में जो है उनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रेगिस्तान या मरुस्थल में जल की कमी होती है। अगर पत्तियां इन पौधों में पाई जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र होगी जिसके कारण जल की कमी हो जाएगी और पेड़ पौधे बच्चों सूख जाएंगे। इसलिए मरुस्थल में उगने वाले पौधे की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो जैसे आपका फाविया, कैक्टस, अगावा, एस्पेरगस आदि जो है जीरोफाइटिक में उगने वाले पेड़
बच्चों अब आता है जेरोफाइटिक अनुकूलन। बहुत से विकसित जड़ तंत्र होता है जो जल की खोज में गहराई तक जाती है। इनके जो जड़ होते बेटा वह बहुत नीचे तक जाते हैं, क्योंकि मरुस्थल में जल जो होता है वह अधिक नीचे मिलता है। दूसरा है जल के अवशोषण के लिए पतले पतले मूल रूप होते हैं। थर्ड है पत्तियां छोटी या सल्क के समान होती हैं। फोर्थ है कैक्टस में पत्तियां जो हैं कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। पत्तियां जल की हानि को रोकने के लिए ट्यूबिंग से ढकी होती हैं। ठीक बेटा, फिर आपका सिंथ दिया है इंस्ट्रूमेंटा कम खाचों में धंसे हुए या बारीक बालू से ढके होते हैं। रेगिस्तान या मरुस्थल में जितने पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में इंस्ट्रूमेंटा की कमी होती है, कम पाए जाते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंटा के द्वारा ही उनका वास्तुसर्जन की क्रिया भी होती है। तो कैक्टस में जल के संचय के लिए तना मोटा या मांसल हो जाते हैं, तो जिससे उन्हें जल की कमी की पूर्ति होती है। तो बच्चों आपका जो हाइड्रोफाइट है, आपका जो हिड्रोफाइट है, आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।